मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन का निधन हो गया। आज सुबह उनके बेटे आशुतोष ने इस बात की पुष्टि की। लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। यही कारण था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया था। सीएम योगी ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल, डिप्टी सीएम समेत कई नेता अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लालजी टंडन के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। शाम 4:30 बजे लखनऊ के गुलाला घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लालजी टंडन के निधन पर पीएम, सीएम योगी, मायावती समेत कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी टंडन को उनकी समाज सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाने में अहम रोल निभाया। वो जनता की भलाई के लिए काम करने वाले नेता थे। पीएम मोदी ने लिखा कि लालजी टंडन को कानूनी मामलों की भी अच्छी जानकारी रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा रद्द हो गया। दरअसल लालजी टंडन के निधन की वजह से दौरा रद्द किया गया। आपको बता दें कि राम मंदिर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या जाने वाले थे। कानपुर कांड का अपराधी विकास दुबे का एक और वीडियो हुआ वायरल। दरअसल विकास दुबे के जेल से छूटने के बाद गांव में जोरदार स्वागत किया गया था। साथ ही लोगों ने विकास दुबे जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। आपको बता दें कि विकास दुबे सितंबर 2019 में जेल से रिहा हुआ था। विकास दुबे के भाई पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। दरअसल प्रकाश पर कृष्णा नगर कोतवाली में FIR दर्ज है। बता दें कि केस दर्ज होने के बाद से प्रकाश दुबे फरार चल रहा है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सामने आया है और देवस्थानम बोर्ड को सही माना। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही 51 मंदिरों का एक्ट के दायरे में लाने को सही माना गया। हरिद्वार में रात में हुई तेज बारिश की वजह से हर की पौड़ी की दीवार ध्वस्त हो गई। दरअसल ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। फिलहाल इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने आसपास बैरिकेडिंग लगाकर फैले मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने पिछली रात जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। नलिनी वेल्लोर जेल में बंद है, जहां उसने कथित तौर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जेल में नलिनी और एक कैदी के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था। नलिनी का जिससे झगड़ा हुआ था वो भी उम्र कैद की सजा में बंद है। देश में 11,55,000 के पार कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 37,148 नए केस सामने आए। 7,24,578 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,924 नए केस सामने आए। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 19,000 के पार पहुंची। यूपी में कोरोना के केस 50,000 के पार पहुंच गए। कोरोना से अब तक 1,192 मरीजों की मौत हो चुकी है। होम आइसोलेशन को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की। अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज सशर्त घर में आइसोलेट हो सकेंगे। घर में आइसोलेट होने के लिए 2 शौचालय और अलग रूम होना अनिवार्य है। साथ ही मरीज का आइसोलेट और परिजनों का क्वारंटीन होना अनिवार्य है। बता दें कि HIV पॉजिटिव कैंसर पीड़ित मरीज होम आइसोलेट नहीं हो सकेंगे। बढ़ते केस को देखते हुए सीएम योगी ने एक और निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 जिलों में डॉक्टरों की स्पेशल टीम भेजने का निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है। स्पेशल टीम यूपी के अलग अलग 10 जिलों में जाएगी। बता दें कि योगी सरकार यूपी में कोरोना के रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कानपुर में कोरोना की रफ्तार हर दिन तेज होती चली जा रही है। कानपुर में एक दिन में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। नए मरीज मिलने के बाद कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,701 हो गई। वहीं कोरोना से अब तक 135 मरीजों की मौत हो चुकी है। कानपुर में कोरोना के 1,210 एक्टिव केस हैं। कानपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सोमवार रात से 10 थाना क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया। बता दें कि शनिवार और रविवार को भी इन इलाकों में लॉकडाउन रहेगा। हालात को देखते हुए प्रशासन आगे निर्णय लेगा।
मेरठ में कोरोना जैसी घातक बीमारी से जंग जीतने के बाद वापस शंकरखेड़ा थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर थाने के अंदर ढोल भी बजवाए गए और साथ ही तीनों कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश की गई। जिले के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रिंसिपल ट्रेनिंग प्रोग्राम के नए बैच के पहले सत्र को संबोधित किया। शिक्षा विभाग के मुताबिक IIM अहमदाबाद की तरफ से दिल्ली सरकार ने 50 स्कूलों के प्रिंसिपल को लीडरशिप ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए IIM अहमदाबाद के साथ SCERT दिल्ली ने समझौता किया है। भोपाल में एक पुलिस कांस्टेबल PHQ के सामने एक हाथ में माला लेकर फुटपाथ पर बैठ गया और आंख बंद कर माला अपने जपने लगा। पुलिसकर्मी को माला जपते देख लोग जुट गए। थोड़ी देर में माजरा समझ में आ गया कि आखिरकार ये कांस्टेबल यहां ऐसे क्यों बैठा है। बता दें कि ये कांस्टेबल पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर बैठा हुआ था। भारतीय वायुसेना के लिए 29 जुलाई का दिन खास होने वाला है। उम्मीद है कि इसी दिन भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई मिल जाएगी। साथ ही इस दिन अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद राफेल विमान को 20 अगस्त को एक समारोह में राफेल को वायुसेना में अंतिम रूप में शामिल किया जाएगा। ईरान और भारत के बीच चाबहार रेल परियोजना को लेकर एक खबर आई थी कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। इसके पीछे माना जा रहा था कि ईरान चीन के बीच होने वाली 400 अरब डॉलर की डील है, लेकिन इस खबर का खंडन करते हुए ईरान ने इसे अफवाह बताया और कहा कि भारत चाबहार जहेदान रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति और चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बिडेन के बीच बयानबाजी तेज हो गई। ट्रंप ने कहा है कि बिडेन इस लायक नहीं है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सके या देश की कमान संभाल सके। ट्रंप ने बिडेन को दिमागी तौर पर थका हुआ इंसान करार दिया। बता दें कि इससे पहले बिडेन ने कहा था कि ट्रंप की नीतियों का खामियाजा देश को उठाना पड़ रहा है। भारतीय मूल की स्मृति कालिया ने दुबई में इतिहास रच दिया। दरअसल स्मृति ने एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट में योग के 100 पोज देकर नया कीर्तिमान बनाया है। स्मृति का ये तीसरा योग टाइटल है जिसमें से 2 टाइटल स्मृति ने 1 महीने के अंदर ही अपने नाम किए। बता दें कि स्मृति ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बनाया था। UAE का मास मिशन होप को जापान के स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। इसे स्थानीय समयानुसार सुबह 6:58 पर HIIA रॉकेट से लॉन्च किया गया। मित्सुबिशी के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो गया और सही ढंग से काम कर रहा है। बता दें कि खराब मौसम की वजह से इसकी लॉन्चिंग में 5 दिन की देरी हुई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर ट्वीट कर निशाना साधा है। ट्वीट में कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों पर टिप्पणी की गई। साथ ही लिखा कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप और मार्च में MP में सरकार गिराई और अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई और मई में सरकार की 6ठी सालगिरह मनाई। जून में बिहार में वर्चुअल रैली की गई। छह महीने के कामकाज को लेकर बीजेपी कांग्रेस में बॉट छोड़ गई है। राहुल गांधी पर प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर राहुल की उपलब्धियां गिनवाई है। मौसम विभाग ने यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, शाजापुर में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही एटा, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और कहा कि अगले 72 घंटे पहाड़ के लिए आफत साबित हो सकती है। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि कई इलाकों में भूस्खलन हो सकता है। चमोली में बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा आ गया। दरअसल सड़क पर ऑल वेदर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बता दें कि रोड चौड़ीकरण की वजह से भूस्खलन हो रहा है। पीपलकोटी और नंदप्रयाग में कई बार मलबा आ चुका है। पिथौरागढ़ में आसमानी आफत से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। टांगा गांव में 11 लोगों की मौत हुई और गैला गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भूस्खलन के कारण कई घर जमींदोज हो गए। प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रही है। बता दें कि टांगा के ऊपर पहाड़ी पर 100 से ज्यादा दरारें पड़ी हैं, जबकि मुनस्यारी का संपर्क कट गया है।
हाथरस में बारिश के चलते दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 3 बच्चे समेत 5 लोग दब गए। वहीं एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। आसपास के लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। ईटानगर के नगर लंगूड एरिया में एक युवक पानी की तेज धार में बह गया। दरअसल युवक एक छोटे से पुल से मोटरसाइकिल लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, इतने में उसका संतुलन बिगड़ा और वो पानी की तेज धारा में बह गया। फैजाबाद में पत्रकार को बदमाशों ने गोली मारी, पत्रकार के सिर पर गोली लगी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दरअसल पत्रकार ने भांजी से छेड़खानी को लेकर पुलिस में शिकायत की थी जो बदमाशों को पसंद नहीं आई। फिलहाल पत्रकार की हालत नाजुक बनी हुई है। मेरठ में बैंक से 21 लाख की लूटने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गोली लग गई। बता दें कि पुलिस ने बदमाश पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। बदमाश पर कई मुकदमे भी दर्ज थे। मेरठ में वाहन चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई। दरअसल अलग अलग राज्यों में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। महाराजगंज में एक कलयुगी भाई ने अपनी नाबालिग बहन की दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। आरोपी भाई हत्या कर फरार हो गया। हत्या के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी था और मां से खेत अपने नाम करने की लड़ाई करता था। विरोध के बाद भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। कोविड के दौरान बिजली चोरी में हुई तेजी पर रोकथाम करने के लिए सचिव ऊर्जा ने विजिलेंस की टीम को सख्त निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली चोरी ज्यादा हो रही है वहां सख्ती लागू की जाए। ऊर्जा सचिव राधिका झा का कहना है कि कोरोना की वजह से कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कन्नौज में पुलिस की आंख में धूल झोंककर शराब तस्करी का काम धड़ल्ले से चल रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद शराब तस्कर शराब छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि काचूर में भरकर शराब को दोगुने दाम पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। एटा के गांधी मार्केट में दो डॉक्टर आपस में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे पर फर्जी डॉक्टर होने का आरोप लगा रहे थे। इतना ही नहीं, एक दूसरे को फर्जी डॉक्टर बताते हुए पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों डॉक्टरों को कोतवाली लेकर गई। पुलिस ने दोनों की डिग्रियों को जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दिया। मऊ में एसपी के जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठ गए और पुलिस से गुजारिश की कि इन्हें यहां से जबरिया ले जाया जाए। यही नहीं, नेताजी ने कहा कि चलो दो लोगों से नहीं उठ पाऊंगा तो 4 लोगों को बुलाओ। जब पुलिस के समझाने पर भी वो नहीं माने तो आखिरकार पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। आगरा में दबंगों ने बुजुर्गों सहित परिवार के दूसरे लोगों पर भी जमकर मारपीट की। मारपीट में बुजुर्ग घायल हो गए। साथ ही बच्चे और महिलाएं मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुनी और ना ही मदद की। मदद करने के बजाय लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए। संत कबीर नगर के कटका गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए जबकि एक व्यक्ति की इलाज के बाद मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने आर्थिक तंगी और गृह कलेश को लेकर आत्महत्या की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आत्महत्या के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। रुड़की सिविल लाइन में तमंचे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिसके पास से एक 12 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। आरोपी पहले भी 2 बार अवैध तमंचा रखने के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी जिसके लिए पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी थी। उन्नाव में दबंग प्रधान का खेत पर असलहे लहराते एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधान के साथी भी खेत पर कई राउंड फायरिंग की है।
फायरिंग के दौरान बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थी। किसानों ने इसकी पुलिस को तहरीर दी। बता दें कि प्रधान गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कानपुर देहात में अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। दरअसल धर्मकांटा के मैनेजर का 3 दिन पहले अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ता को पकड़ने के लिए पुलिस कई टीमें लगा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया। अपहरण में 20 लाख की फिरौती मांगी गई। पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। झांसी में तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिवार ने कोहराम मच गया। बता दें कि परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बदायूं में मजदूरी करने दिल्ली आया अधेड़ लापता हो गया। घर वालों ने बताया कि एक बार शख्स से फोन पर बात हुई, जब दोबारा फोन लगाया तो स्विच ऑफ आने लगा। शख्स को सभी जगह तलाशा गया, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में खनन सामग्री बाहर से लाने ले जाने पर रोक लगा दी गई। दरअसल नियम तोड़ने पर अवैध खनन में कार्रवाई होगी, साथ ही राजकीय कार्य के लिए छूट मिलेगी। वहीं तीसरी बार अवैध खनन में वाहन पकड़ा गया तो जब्त कर लिया जाएगा। जीसीबी पोकलैन के बिना अनुमति प्रयोग पर 4 लाख जुर्माना लगेगा। बता दें कि खनन सामग्री के अवैध भंडारण पर 2 लाख का जुर्माना है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है। हरिद्वार में पूजा करने के मामले में आईजी ने एसएसपी हरिद्वार से रिपोर्ट तलब की। दरअसल हरिद्वार में पूजा करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता पहुंचे थे। दरअसल कोरोना के नियमों को देखते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तरकाशी में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जबकि राजधानी देहरादून में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की महंगाई की लिखित तख्तियों और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। लॉकडाउन की शुरुआत से ही पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में मौजूद सलमान खान अब खेती करने लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं।